हरे कृष्णा। तो आज हम सुनने वाले हैं अपरा एकादशी व्रत महात्म्य। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी का वर्णन ब्रह्मांड पुराण में महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के संवाद में आता है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा, हे कृष्ण, हे जनार्दन, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? उसके महात्म्य के बारे में कृपया आप मुझे वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कहने लगे, हे महाराज युधिष्ठिर, आपने सचमुच बहुत ही समझदारी का और वास्तविकता से देखा जाए तो सबके लिए हितकारक प्रश्न पूछा है। इस एकादशी का नाम अपरा है। जो भी इस व्रत का पालन करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर अमर्यादित पुण्य संचय करता है। इस व्रत के पालन से अनेक घोर पापों से, जैसे कि ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, दूसरों की निंदा करना, अनैतिक स्त्री पुरुष संग, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, अभिमान करना, पैसों के लिए अध्यापन तथा वेद पठन, अपनी मर्जी से ग्रंथ लिखना, साथ ही झूठे भविष्य कहने वाले, फंसाने वाले वेद्य मुक्त हो जाते हैं। लड़ाई से डरकर भागकर आए हुए क्षत्रियो को नर्क द्वार मिलता है, परंतु इस व्रत के पालन से ऐसे क्षत्रिय को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उनकी निंदा करने वाले शिष्य को पाप की राशियां मिलती हैं। उस निंदित व्यक्ति ने भी अगर इस व्रत का पालन किया तो वह भी समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजाधिराज, कार्तिक मास में पुष्कर तीर्थ में स्नान करने से प्राप्त किया गया पुण्य, माघ मास में प्रयाग तीर्थ में स्नान करने से, काशी में जाकर महाशिवरात्रि व्रत पालन करने से, गया में जाकर विष्णुपाद पर पिंडदान करने से, गुरु जब भी सिंह राशि में आता है उस समय गौतमी में स्नान करने से, कुंभ मेले के समय केदारनाथ जाने से, बद्रीनाथ यात्रा करने से, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्री ब्रह्म सरोवर में स्नान करने से तथा हाथी, अश्व, स्वर्ण, भूमि दान से प्राप्त किया हुआ फल केवल अपरा एकादशी के पालन से सहज प्राप्त होता है। यह व्रत बहुत ही तीक्ष्ण कुल्हाड़ी से पाप वृक्ष को तोड़ देता है, अथवा आगे के जैसे सारे पाप वृक्षों को जलाकर भस्म करता है। ये व्रत तेजस्वी सूर्यों से पापों के अंधकार को दूर भगाता है। हिरण रूपी पापों को भगाने वाला यह सिंह व्रत है। इस अपरा एकादशी का पालन करने से और भगवान के त्रिविक्रम रूप की पूजा करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। दूसरों के हित के लिए जो कोई भी यह महात्म्य पढ़ेगा अथवा जो सुनेगा वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो आइए हम भी इस अपरा एकादशी का प्रेम पूर्वक पालन करें और अधिक से अधिक मात्रा में हरि नाम लें, क्योंकि श्रीमद् भागवतम कैंटो 12 चैप्टर 3 वर्स 51 मीन्स श्रीमद् भागवतम स्कंद 12 अध्याय 3 51वें श्लोक में लिखा है, कलिर्दोषे निधे राजन अस्ति एको महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसंघः परम व्रजेत। अर्थात, हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इस युग में एक अच्छा गुण है, केवल हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है और दिव्य धाम को प्राप्त होता है। तो आप भी ज्यादा से ज्यादा कीर्तन कीजिए और अन्य से उपवास रखिए, ताकि आपके समस्त जन्मों के पाप नष्ट हो जाएं और आपको भगवत धाम की प्राप्ति हो और साथ ही आप सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें। हरे कृष्णा।